स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु सज्जाद। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स कोड 318 चैप्टर नंबर 23 के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बेहद जरूरी है, तो डू नॉट मिस द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड TR। नाउ अगर आप हमारे पिछले वीडियोस में ध्यान दे रहे होंगे तो आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स का फुल फॉर्म पता होगा, तो फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ। AR का मतलब है एवरेज रेवेन्यू, MR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू एंड TR टोटल रेवेन्यू। हमें इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। वी कैन ईजिली स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड TR ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है, सिंस प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इज गिवन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, AR एंड MR आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि AR इज इक्वल टू MR फॉर कॉम्पिटिटिव फर्म। कॉम्पिटिटिव फर्म में हमारा जो प्राइस होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है और मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये सब सेम होता है। ये क्यों होता है जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखें, और ये कैसे होता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही बता रहा है कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। उसके बाद ये बताता है, बिटवीन MR एंड TR इट कैन बी सेड दैट MR इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ TR। MR रेट ऑफ चेंज बताता है कि TR किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है। इन अदर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ MR एट एनी क्वांटिटी गिव्स द वैल्यू एट विच TR हैज इंक्रीज्ड अबव इट्स प्रीवियस यूनिट। यानी कि किस हद तक, यानी कि कितने से हमारा क्वांटिटी डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है ऑफ TR, ये हमें MR बताता है। यहाँ पर एक कर्व बता करके शो किया जा रहा है कि TR का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन बना दिया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने TR, MR और AR का रिलेशनशिप देखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ऐसे तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आप सबको पता ही है, लेकिन जब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। घबराने की बात नहीं है, आज मैं आपको समझाऊंगी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट ही हमारा प्रॉफिट होता है। व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन देम बिकम्स जीरो। जब हम लोग टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे और उसके बाद अगर हमारा पोजीशन जीरो पे आ जाता है, मींस हम लोगों ने जितना भी खर्च किया था ठीक उतना ही कमा लिए हैं, तो उसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस भी है 100, तो इसे कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और ये कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज TR माइनस TC, इसे जीरो प्रॉफिट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। एक्सप्लेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल यूजिंग TR एंड TC अप्रोच, गिव सूटेबल डायग्राम। TR और TC अप्रोच के जरिए हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, देन प्लीज हमारे चैनल गुरु सज्जाद को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देनी पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, प्रॉफिट वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू दिस अप्रोच स्टेट्स दैट द फर्म शुड प्रोड्यूस दैट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट विच द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल कहां पर आकर रुकता है? जहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो और टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। तो इस तरीके से हम लोग ये डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है टोटल रेवेन्यू का, और ओरिजिन से जो स्टार्ट नहीं हो रहा है, समवेयर इन बिटवीन और एस शेप की तरफ जाता है, उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट कर्व। तो हमने यहाँ पर x एक्सिस में क्वांटिटी मापी है और y एक्सिस में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। तो इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन द डायग्राम रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे रेवेन्यू और कॉस्ट को मेजर किया जा रहा है। क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। TR इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। TR का जो लाइन है वो ओरिजिन की तरफ से स्टार्ट होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। TC कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई फिक्स्ड कॉस्ट उसके साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। एंड देन राइजेज लाइक एन इनवर्स एस शेप्ड कर्व, और एक उल्टा एस बनाते हुए ये अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ चला जाता है। तो इस डायग्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है?
इनिशियली देर इज अ लॉस एज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू. यहाँ पर देखे टिल पॉइंट ए हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व ऊपर है, टोटल रेवेन्यू का कर्व नीचे है, यानी कि कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, जिसकी वजह से हमारे फर्म को लॉस हो रहा है. सी डी इज द मैक्सिमम प्रॉफिट एरिया ऑफ द फर्म. यहाँ पर ए के बाद जो है रेवेन्यू ऊपर जाता है और कॉस्ट नीचे आता है, यानी कि फर्म हैज स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना शुरू हो गया है. और सी डी जो है वो एरिया बता रहा है कहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सकता है. टिल पॉइंट बी, बी तक फर्म प्रॉफिट ही कमा रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें चाहिए वो कहाँ पे है, सी डी के पास. अगेन आफ्टर टी सी इज अबव देन टी आर इंडिकेटिंग अ लॉस फ्रॉम पॉइंट बी. पॉइंट बी के बाद से टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज कर गया टोटल रेवेन्यू से, जिसकी वजह से हमारा फिर लॉस हो रहा है. तो ये था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग टी आर एंड टी सी अप्रोच. इन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल बाय यूजिंग एम आर एंड एम सी अप्रोच गिव सूटेबल डायग्राम. इसके पहले हम लोगों ने देखा टोटल रेवेन्यू और टोटल कर्व का अप्रोच, और अब आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का अप्रोच. तो इसमें हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म कैन बी एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एट डिफिकल्ट लेवल्स ऑफ आउटपुट. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच एम सी इज इक्वल टू एम आर. यहाँ पर जो कंडीशन बताया जा रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो ये है कि उस आउटपुट पे जहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है, ठीक वहाँ पर ही हमारा फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है. एम आर एंड एम सी इक्वालिटी अप्रोच टू फर्म्स इक्विलिब्रियम इज बेंड ऑन टू कंडीशन. इसको इक्विलिब्रियम आने के लिए दो कंडीशन को देखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, पहला कंडीशन जो है वो नेसेसरी है यानी कि जरूरी है. द फर्म्स एम आर एंड एम सी मस्ट बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. एम आर और एम सी का जो लेवल है वो बराबर होना चाहिए, ये पहला ऑर्डर है. सेकेंड ऑर्डर या सफिशियंट कंडीशन, मतलब ये पूरा होता है वेल एंड गुड, नहीं पूरा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट द एम सी शुड बी यूजिंग, दैट इज एम सी कर्व शुड हैव पॉजिटिव स्लोप और एम सी कर्व इंटरसेक्ट्स एम आर फ्रॉम बिलो. यहाँ पर एम सी कर्व यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे की तरफ से अगर कट करता है तो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमम आ सकता है. चलिए देखते हैं डायग्राम की तरफ. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम लोग क्वांटिटी माप रहे हैं, वाई एक्सिस में मार्जिनल रेवेन्यू माप रहे हैं. एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ये मैं बता चुकी हूँ. इसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड है, जिसके वजह से वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को दो जगह पर कट कर रहा है. एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट ई, यानी इन दोनों ही जगह पर हमारा फर्स्ट कंडीशन पूरा फुलफिल होता है. नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट जोन है, लॉस है और एक और लॉस है, यानी कि जहाँ मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से, तो हमारे वहाँ पर लॉस हो रहा है. जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर की तरफ आता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे की तरफ है, तो वो जोन कहलाएगा प्रॉफिट जोन. फिर आफ्टर पॉइंट ई हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ चला जा रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे की तरफ आ जा रहा है, यानी कि फिर से फर्म को लॉस हो रहा है. इन द डायग्राम एम आर एंड एम सी आर मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस, क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. एम आर इज हॉरिजॉन्टल एट एस, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व. एट पॉइंट ए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एम आर. देखिए पॉइंट ए पे एम आर इज इक्वल टू एम सी. प्रॉफिट्स आर नैप्ड एज लॉन्ग एज एम सी इज लेस देन एम आर अंटिल दे आर इक्वल एट ई. वहां से फर्म प्रॉफिट कमाना शुरू करता है टिल पॉइंट ई, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है एम आर को नीचे की तरफ से काट रहा है ई की तरफ. तो ये हमारा कंडीशन हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फुलफिल. और ई के बीच में जहां तक मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कमाया जा रहा है वो एरिया को कहेंगे प्रॉफिट जोन, यानी कि हमारा सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है. तो ये था हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग एम आर एंड एम सी अप्रोच. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन बाय बाय.